तो मेरे डियर बच्चों, जितने लोग डी फार्मा करने के बारे में सोच रहे हो, पहले वाला सिस्टम अब यहाँ पे नहीं रहा। क्या बोल रहे हो? तो वही, जैसा कि आपको पता है, पहले क्या करते थे लोग, अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट कंप्लीट करते थे, मार्कशीट वगैरह लेकर के डायरेक्ट कॉलेज में जाते थे, कुछ पैसे देते थे जो एडमिशन फ़ी उनकी होती थी, या कहीं ना कहीं अपने साल भर की फ़ीस होती थी, या जो भी कुछ वहाँ पर उनका एडमिशन हो जाता था। लेकिन भाई, अभी यह रास्ता बंद हो चुका है। अब आपको अगर डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी जीकप ग्रुप ई का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका होगा एडमिशन। अभी सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है जिस पे मैं बात करने वाला हूं, हालांकि वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है, लेकिन आप सभी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है इसको को लेकर के कि अभी तो सर मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, अभी मेरा फरवरी में लास्ट में एग्जाम है, तो मार्च में एग्जाम है, अभी मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ है, रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जबकि डी फार्मा करने के लिए इंटरमीडिएट कंप्लीट होना जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, राइट? चलिए, मैं आपकी बात को मानता हूं। तो क्या आपके पास होने भर का टाइम है एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप में? बिल्कुल नहीं। लास्ट डेट आपका 29 फरवरी है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मार्च तक चला जाएगा या अप्रैल तक चला जाएगा, लेकिन तब पर भी आपके 12वीं के रिजल्ट क्लियर नहीं होंगे, यूपी बोर्ड की मैं बात करूँ या सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ तो, थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है आपका रिजल्ट क्लियर होने में। लेकिन फॉर्म फिलअप तो बात छोड़ो, एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है डियर बच्चों? तो यहाँ पे ये गलतफहमी में मत रहो कि इंटरमीडिएट हम पास हो जाएंगे, मेरे हाथ में मेरी मार्कशीट आ जाएगी, या इंटरनेट पे जब मेरा रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा, सो हो जाएगा, उसके बाद हम फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट में अगर आप अपेयरिंग हो, कहने का मतलब ये कि इंटरमीडिएट आप पढ़ रहे हो, अपना 11वीं कंप्लीट करके 12वीं में आ चुके हो, अभी रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद, तब पर भी आप यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भाई, वहां पे परसेंटेज या नंबर फिल करने के लिए बोलता है, वो कौन सा फिल करे? तो वह आपका हाई स्कूल का नंबर फिल करने के लिए बोल रहा होगा, इंटरमीडिएट का नंबर फिल करने के लिए नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि ऐसे तो लेट हो जाएगा सेशन। आप समझ के चलो कि भाई आपका 2024 में क्लियर हो रहा है 12, राइट जी, 12वीं, अब 2025 में क्या आप एडमिशन लोगे? नहीं, आपका सेशन जो रहेगा डी फार्मा का वो 2024 और 25 का रहेगा, ना कि 25 और 26 का। 25 और 26 उनके लिए छोड़ोगे जो अभी 11वीं में है। तो ऐसा होता है, अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहिए। यूपी पॉलिटेक्निक सर्च कीजिए वेबसाइट पे, आपको यूपी पॉलिटेक्निक का कहीं ना कहीं ऑफिशियल लिंक वगैरह मिल जाएगी, वहां से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए, भाई कैसे होगा, क्या करना है, तो किसी नियर बाई साइबर कैफे पे चले जाओ यार, 100-200 रुपए दो और अच्छा से फॉर्म फिलअप कर लो, कुछ गलती वगैरह मत करो। हालांकि करेक्शन का भी इसमें ऑप्शन रहता है, अगर आपको जानकारी है तो कर सकते हो, बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजों को शायद से, शायद मेरा मानना है कि खुद से ना करो, किसी साइबर कैफे पे चले जाओ, इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनके पास चले जाओ, कहीं ना कहीं जो फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं या और भी रिजल्ट जो चेक करते हैं उनके पास, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है डियर बच्चों? बाकी यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन से रिलेटेड, चाहे ग्रुप E1 हो या E2 हो या डी फार्मा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर से जरूर अब बताऊंगा, ठीक है डियर बच्चों? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।